वो अपने जो यूथ है, यूथ आपकी क्या है वो? मुझे जो प्यार करता है मैंने उसके नाम रखे हुए हैं, जो एवरेज प्यार करता है, थोड़ा लॉजिक पे चलता है और डायलेक्टिकल प्रिंसिपल पे चलता है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है इंसाफिया। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है जो थोड़ा हार्श है, थोड़ा गालियों में शिद्दत है, लेकिन कहीं कहीं दूसरों ओपिनियन भी देख रहा है, उसका नाम है यूथिया। ठीक है। उसमें यूथने भी हैं। ठीक है। जो तीसरी कैटेगरी है, जो मुझसे प्यार करती है, मेरे नजरिए से प्यार करती है, मुझे हर हाल में डिफेंड करती है, मुझे मतलब अपने माँ बाप को भी फारिग करते हैं मेरे सामने, इसमें कुछ वो सारे लोग हैं इमरांडू। मैं समझा भी सर थोड़ा सा। ये इमरांडू क्या है? अब ये दुनिया में शोर मचेगा कि ये इमरांडू क्या है। इमरांडू सॉरी सर, ये ऐसा डू है हाँ के जैसे जो इमरान के डूज पे यकीन रखता है, डूज पे जैसे होते हैं ना, डू डिड डन डन वेंट गोन, इस तरह तीन जो, ठीक है। इसी तरह जो डू है वो इमरान के, इसने पाकिस्तान के लिए डन किए हैं, डू करने वाला आदमी, डूअर है। अच्छा, ये वो लोग हैं, अच्छा, इनको पता है इसने वर्ल्ड कप जीता है, इसने अस्पताल बनाया, इसने सिगरेटें, इसने और कुछ बहुत सारी चीजें बनाई है, ये आदमी डूअर है। ये वो है जिनके सर पे लोहे की एक वो चढ़ी हुई और सोच समझ नहीं है। आप कह सकते हैं किसी हद तक, एक फिल्म भी आई थी इमरांडू के चूहे। अच्छा, एक तो है इमरांडू के चूहे, इसमें एक है एक बंदा है इमरांडू और उसके बच्चे जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो उसको ये भी कहा जाता है मोहल्ले में, वो देख इमरांडू का बच्चा जा रहा है। मैं इसी तवज्जो से, मेरे नौजवानों, मेरे यूथियो, मेरे इंसाफियो, मेरी टाइगर टाइग्रेसेस, मेरे इमरांडुओ, अगर आप सच के ऊपर अपने अब्बे को भी चपेड़ मारेंगे, खुदा की कसम आप बिल्कुल ठीक जगह खड़े में।